आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोलकाता रेप मर्डर केस की, जहां एक साइकोलॉजिकल टीम होती है, वो जा करके जो आरोपी है उसके मेंटल स्टेट को चेक करेगी, जांच करेगी, इतने जघन्य अपराध करने के पीछे साइकी क्या होती है, कैसी होती है, इसकी स्टडी की जाती है। 60 सेकंड में रिपोर्ट। डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच तेजी पकड़ती जा रही है। सीबीआई की छोटी छोटी टीमें हर एंगल से तफ्तीश में जुटी हैं, ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। सीबीआई ने आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने का फैसला किया है। साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए सीएफएसएल की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंची। टेस्ट के जरिए आरोपी के बारे में जानने की कोशिश करेगी सीबीआई टीम। इस टेस्ट से आरोपी की मनोदशा को समझने की कोशिश की जाएगी। सीबीआई ने पूछताछ का दायरा बढ़ा दिया है। सीबीआई की एक टीम लगातार पूछताछ में जुटी है। आरजीके मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार 3 दिन 11-11 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है और सीबीआई ने उनसे पूछताछ करने के लिए कल फिर तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के हाथ एक अहम डायरी मिली है। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को एक डायरी सौंपी है। ये डायरी महिला डॉक्टर के शव के पास मिली थी। डायरी के कई पन्ने फटे हुए हैं। डॉक्टर अमूमन अपने साथ डायरी रखते हैं जिसमें दवाइयों के नाम लिखे होते हैं। डायरी के पन्ने फटे होने का शक गहरा रहा है कि उस पर कहीं कुछ और तो नहीं लिखा था। और देखिए, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से प्रोटेक्शन की मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं, इसे लेकर के केंद्र ने एक नया नियम बनाया है। हर 2 घंटे में जितनी भी सिक्योरिटी की रिपोर्ट है वो केंद्र को भेजनी होगी। वही ममता बनर्जी ने भी कुछ नाइट शिफ्ट को लेकर के गाइडलाइंस जारी किए हैं। देखिए आप, महिला डॉक्टर से रेप मर्डर के खिलाफ डॉक्टर्स का आक्रोश शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की बार बार अपील और सुरक्षा समेत उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा देने के बावजूद उनकी हड़ताल जारी है। महिला डॉक्टर से दरिंदगी के बाद केंद्र सरकार ने एक कड़ा रुख अख्तियार किया है और सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था का अपडेट केंद्रीय गृह मंत्रालय को देना होगा। राज्यों में बढ़ रहे अपराध के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। कानून व्यवस्था राज्य का मामला है, लेकिन केंद्र को रिपोर्ट देनी होगी। डॉक्टर्स की हड़ताल से पश्चिम बंगाल में मेडिकल सेवा पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, लिहाजा ममता सरकार ने अस्पतालों में नाइट शिफ्ट के दौरान सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। महिला डॉक्टर्स के लिए अलग से रेस्ट रूम होगा। रात्रि साथी के नाम से एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा सर्विलांस जरूरी बनाया जाएगा। कोशिश होगी कि महिला डॉक्टर्स की नाइट शिफ्ट ना लगे। केंद्र और राज्य सरकारों से मिल रहे भरोसे पर डॉक्टर एसोसिएशन आज फिर बैठक कर विचार करेगा। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने ममता बनर्जी का बचाव किया, हल्की सी लाइन ड्रॉ की और दूसरा एग्जाम्पल दिया, लेकिन बीजेपी ने देर नहीं लगाई उन पर पलटवार करने में। 3 हो या रात, देश का हर कोना 9 अगस्त से सुलग रहा है। कोलकाता की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और छात्र पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच ममता बनर्जी के करीबी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का एक ऐसा बयान आया जिस पर सियासी बयानबाजी और तल्ख हो गई। ममता बनर्जी जी खुद महिला है और एक महिला का दुख दर्द वो समझती है। उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। बयानबाजी का दौर यही नहीं थमा। इसके बाद बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल सामने आई और विपक्ष को आड़े हाथ लिया। वही खबर है कि कोलकाता निर्भया कांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई की मदद के लिए सीएफएसएल की टीम भी कोलकाता पहुंच चुकी है, जो आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट करेगी। लीडर्स लाइक राहुल गांधी, लीडर्स लाइक प्रियंका गांधी वाड्रा, हु सेज लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लीडर्स लाइक अखिलेश, दे आर हिपोक्रिट्स। तो देखिए, हाई स्कूल स्टूडेंट के बीच में चाकूबाजी और 2 ग्रुप्स का आमने सामने आना और तनाव की कंडीशन इस कदर आगे बढ़ी है कि आज भी कहा जा रहा है कि माहौल तो शांत है, लेकिन एहतियात के तौर पर इंटरनेट की फैसिलिटी को बंद करके रखा जाएगा। उदयपुर को सुलगाने की कोशिश की गई, 2 छोटे बच्चों के बीच झगड़ा हुआ, एक बच्चे ने दूसरे पर चाकू से वार कर दिया, लेकिन इसके बाद लोग बेकाबू हो गए। शहर को जलाने की कोशिश हुई, अफरा तफरी फैलाई गई, पुलिस ने सख्त कदम उठाए और उपद्रवियों पर काबू किया। लेकिन पुलिस की कार्रवाई यही नहीं रुकी। घटना के 24 घंटे के बाद पुलिस ने आरोपी के घर नोटिस चस्पा कर दिया और कुछ देर बाद नगर निगम का बुलडोजर पहुँच गया। टीम ने दीवार गिराई, छत ढाई और फिर पूरा मकान जमीन दोस्त कर दिया। तहस नहस किया गया घर उसी शख्स का था जिस पर उदयपुर को सुलगाने की साजिश का आरोप है।
चाकू मारने के आरोपी छात्र के घर को बुलडोजर से समतल कर दिया गया। हालांकि उसकी मां का आरोप है कि ये घर उसका नहीं बल्कि उसके भाई का था जिसमें वो किराएदार थी। मकान किसका है? मकान दूसरों का, मैं तो किराए से रहती हूँ। दूसरा कौन? मेरे बड़े वाले भाई जान है। पीड़ित छात्र की हालत स्थिर लेकिन गंभीर बनी है। उदयपुर फिलहाल शांत है, आम जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, लेकिन एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवा पर पाबंदी आज रात 10 बजे तक बढ़ा दी गई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।